जिंदगी वाला है वो आपको सुनना है ये, लेकिन मुझे तो काफी सुनना है। हर्षिता के जन्मदिन पर हम सब लोग आए हैं, आप सब लोगों का स्वागत है और मे गॉड ब्लेस हर और भगवान उसे हेलो हाय। भगवान ने उसे बहुत अच्छी लंबी आयु दे और बहुत हमेशा आपका परिवार खुश है। बस यही कहूँगा, हमारे साथ हमारे सीनियर और महानायक भोजपुरी के कुणाल भैया हैं, अंजना कई कई बिग सुपरस्टार, रवि अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, लवी हैं बहुत बड़ी स्टार, बहुत सारे लोग, राजन मोदी हैं हमारे डायरेक्टर, आनंद भट्टा, सब फुल इंडस्ट्री और उदय भगतन, बहुत सारे लोग जिनको मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ, सब लोगों का स्वागत है। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं यहाँ पे, सब लोगों का स्वागत है, हमारे डिजाइनर हैं सब। और बस यही कहूँगा, जिंदगी झंडबा फिर भी झंडबा, और थैंक यू सो मच। और आप लोग आए और इंजॉय करिए, इतना सब आपको कितना लोग प्यार करते हैं मुझे देख रहा है, और आपने कितना लोगों को कमाया है। इनों पैसा सब लोग कमाते हैं लेकिन लोग कमाना, प्यार कमाना, इंसान कमाना बहुत। जयललिता जी के डेथ पर हमने देखा कि नेता हो तो ऐसा कि जब इनों की कितना लोग कि लोग रो रहे हैं, तो वो बहुत सारी सीख थी, वो मुझे भी बहुत की हम लोगों को इंसान कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रेम ही जीवन है, प्रेम से दुनिया चलती है। बाकी तो पैसे तो बंद नोटबंदी तो आप लोग देख ही रहे हैं ना बहुत 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 अच्छा, लेकिन अच्छा ही होगा कि सब अच्छा है। और फिर मैं बर्थडे के मौके पे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, केक काटते हैं सब लोगों को। और दो शब्द कुणाल भैया, दो शब्द आशीर्वाद दे दीजिए कुणाल भैया, फिर अंजना बोलेंगे, लवी बोलेंगे सब। आप सब लोग हर्षिता को आशीर्वाद देने आए हैं, आपके साथ साथ मैं भी हर्षिता को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और मेरे पास तो इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं कि मैं ये बोलूँ कि मेरी उम्र इसको लग जाए, ईश्वर करे बहुत सुख से रहे। अब हमारी भोजपुरी की हॉट सुपरस्टार अंजना सिंह, एक जोरदार ताली के साथ इनका हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, होप यू आर एंजॉयिंग हियर एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हर्षिता हैप्पी बर्थडे टू डियर क्यूट डॉल। बस आप एक बार सब लोग साथ में जोरदार क्लैप कर दे हर्षिता के लिए, बिकॉज आई थिंक शी इज नॉट वेल, बट फिर भी सबके लिए ड्रेसअप होके आइए अच्छे से। तो एक जोरदार क्लैप एक बार और से हर्षिता के लिए, थैंक यू सो मच। और अब लवी भी कुछ विश करेगी। हैप्पी बर्थडे टू यू हर्षिता, मैं सिर्फ इसके लिए दो लाइन गाना चाहूंगी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये हमारे Happy birthday to you. Oh, oh. Happy birthday to you. Oh, oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Clap, please.
विवेक जी जो हमारे युवा प्रोड्यूसर हैं, जिनकी फिल्म हम सबके वो बहुत प्यारी और लाडली बच्ची है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद उस बच्ची को, उसकी जीवन में ईश्वर खुशियाँ ही खुशियाँ लाए। इस फिल्म में एक किरदार मेरा ऐसा है जो तय करते हैं कि हम दोनों दुनिया वालों के लिए बाप बेटे बन के रहेंगे, और उस ढंग से पूरी संरचना मैं रचता हूँ और जिसको रवि किशन जी अंजाम देते हैं और उस दुश्मन का पर्दाफाश करते हैं। ऐसा बहुत कम मौका मिलता है जब भोजपुरी के इतने कलाकार एक साथ एक मंच पर आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं वैसे समय समय पर ऐसे मौके आते रहते हैं, तो यही एक मौका तो जो सारी इंडस्ट्री एक साथ मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए हर आदमी अपने अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन जीवन के ये हमारी भोजपुरी फिल्मों की इंडस्ट्री की एकता है कि सुख और दुख में हम कहीं ना कहीं एक साथ खड़े ज़रूर मिलते हैं। बाकी तो अपनी लड़ाई है ज़िंदगी की, हर को काम करना है तो वो व्यस्त रहते हैं, लेकिन ऐसे समय में कहीं भी कोई रहता है वो बिल्कुल आता है, और बच्ची को आशीर्वाद देने की बात है तो सब लोग आएंगे। जयललिता जी ने सिनेमा में भी बहुत ऊंचाई हासिल की हैं और राजनीति में बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपना मकाम बनाया था, और जयललिता जी ऐसी नेता हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि जब एक फिल्म कलाकार राजनीति में आता है तो वो कहीं ना कहीं और राजनीतिज्ञों से ज़्यादा संवेदनशील होता है, लोगों की ज़रूरतों को, लोगों के दुख दर्द को समझता है, और इसीलिए जयललिता जी जब राजनीति में थीं तो लोग उनको अम्मा कहते थे, और उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया। आपने देखा होगा कि उनके गुजर जाने के बाद लोग इस तरह रो रहे थे जैसे उनके परिवार में कोई गुजर गया हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो गरीबों के लिए इतना कुछ करके चुपचाप बिना किसी को कुछ बोले इस दुनिया से चली गई, अपने काम को अंजाम दे के चली गई। वो आत्मा, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हैं वो वहीं से आशीर्वाद दें कि उनकी तरह कई सारे नेता हमारे देश में राजनीति में आए तो देश एक नया देश बन जाएगा। जब बर्थडे में आए हैं तो और क्या कहना चाहेंगे? उसको बधाई देना चाहेंगे, उसको शुभकामना देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू हर्षिका। हाँ, मेरे साथ अंजना जी हैं, तो ये जिनकी बेटी है विवेक जी, उन्होंने शहंशाह फिल्म बनाई है और मैं जानती हूँ वो फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है क्योंकि उसमें अंजना सिंह हीरोइन है, तो मैं चाहती हूँ वो दो शब्द कहें। थैंक यू सो मच विवेक जी एंड मैम, आपकी वाइफ को थैंक्स बोलना चाहूँगी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। बेटी का बर्थडे आपने बहुत धूमधाम से किया, हमने बहुत इंजॉय किया, और मेरी क्यूट डॉल हर्षिका के लिए बेटा विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, आप ऐसे ही खुश रहो, स्माइल करते रहो, और आपको जो कुछ भी चाहिए आपको भगवान वो सारी चीज़ें दे, सारी खुशियाँ दे। एंड बेटा आप बहुत लकी हो क्योंकि आपके मम्मा डैडा बहुत अच्छे हैं, और आपके मम्मा डैडा बहुत लकी हैं क्योंकि उनके पास हर्षिका जैसी क्यूट डॉल है। सो बेटा हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जी जिनके अभी विवेक जी ही प्रोड्यूसर हैं उस फिल्म के, जिस फिल्म का नाम शहंशाह है, और रोहित जी भी हैं, इसके डायरेक्टर हैं आनंद डी घटराज जी, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। अभी कल ही इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है वर्ल्ड वाइड के थ्रू, जो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी, और मूवी भी बहुत धमाल बनी है, और जब आएगी तो बहुत लोग, हमारी ऑडियंस बहुत इंजॉय करेगी। किरदार के बारे में बात करने क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें फूल बेचने वाली बनी हूँ, फूल बेचने वाली बनी हूँ, एकदम गाउंटी स्टाइल फूल वूल लगा के, इधर बाल बाल में फूल लगा के, टोकरी सर पे रख के, तो एक गांव की फूल बेचने वाली का किरदार है मेरा इसमें, कुछ अलग है और अच्छा लगता है जब हम कुछ डिफरेंट करते हैं। कितना एंजॉय किया था आपने शूटिंग में? बहुत 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 एंजॉय किया था। भोजपुरी में कुछ भी होता है पहली बार अंजना सिंह के थ्रू होता है तो बट इसका क्रेडिट ज़्यादा है हमारे पीआरओ जो हैं फिल्म के, उदय भगत जी, उनका ये आइडिया था कि क्यों ना ट्रेजर लॉन्च हम लोग लाइव करते हैं। काफ़ी सक्सेस रहा, काफ़ी लोगों तक पहुंचा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप पियानो वाली फिल्मों के बारे में बात करें तो?
मेरी आने वाली फिल्मों में एक अभी रिसेंटली रिलीज हुई है बेटा, और देन शहनशाह, त्रिशूल, तेरे जैसा यार कहाँ, और कुछ भूल रही हूँ बस, हाँ शूटिंग किसकी, हाँ गुंडे, और सन ऑफ बिहार, और हाँ बस और है थोड़ा भूल गई, हाँ ऑडियंस से तो बस हम रउआ सबसे यह कहे के चाहता नहीं कि अभी ले रउआ ले जौन हमरा के प्यार देले बानी, आगे भी ऐसा देत रही, केहू आदमी के सक्सेस होवे खातिर आप लोगन के साथ होखल बहुत जरूरी बा, तो अपन साथ आशीर्वाद ऐसा ही हमरे पे बनाए रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बर्थडे विश करने के आदिवी आई क्या करना चाहेंगे आपकी दीदी पर्सनल क्वेश्चन बन गए अच्छा लग रहा है। आज जन्मदिन पे आए हैं रसूली जी की बेटी से कि जन्मदिन पे, और शहनशाह फिल्म हमारी रेडी हो गई है और इन्होंने प्रोड्यूस की एक बहुत बड़े बजट की बहुत ही अच्छी फिल्म, प्रोमो लॉन्च हुआ उसका, ट्रेलर लॉन्च हुआ और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला, तो अच्छा लग रहा है जन्मदिन पे आए हैं और सब लोग मिले, सारे यार दोस्त मिले, तो ये खुशी है कि यहाँ पे पहुँचे और इतनी भीड़, इतना प्रेम आपने कमाया उसके लिए आपको पूरा धन्यवाद। और क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? रवि जी आए ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बाकी कुणाल भी आए, सारे लोग आए। शहनशाह का ट्रेलर का लॉन्च हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को, नाउ द शहनशाह इज विद अस, और धमाल मचा दिया पार्टी रॉकिंग, और आने वाले समय में अभी समाज जब आपके सामने शहनशाह आएगी, शहनशाह फुल रॉक्स होने वाली है, फुल ऑन रॉक्स। तो एक अच्छा है कि उन्होंने पहली शुरुआत की एक अच्छी फिल्म से शहनशाह, चूँकि अब ठंड का समय है तो हम लोग थोड़ा रिलीज़ उसकी लेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ठंड थोड़ी कम होगी तो हम वो फिल्म रिलीज़ करेंगे, और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा और शहनशाह को भी मिले, बस यही उम्मीद है। मैं बात करें जैसे भोजपुरी सिनेमा में पहली बार हुआ शहनशाह के माध्यम से लाइव सोशल मीडिया पे टीजर लॉन्च किया गया था, ये थॉट हमारा ये अच्छा रहा कि हमारी पूरी पीआर टीम बड़ी स्ट्रांग है, और उसमें उदय भगत हैं, रामचंद्र यादव हैं, सब हमारी टीम बड़ी कड़क है, तो उन्होंने उनका थॉट रहा। मैं उस वक्त मैं कहाँ शूटिंग कर रहा था, हैदराबाद, मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था और यहाँ मुंबई में प्लान था, तो दो तीन जगह से उसकी लॉन्चिंग की प्लानिंग थी और बड़ी सक्सेसफुल रही, लोगों ने बड़ा बढ़िया उसका रिस्पॉन्स दिया। तो ऐसे ऐसे डिजिटल वे में आज जैसा कि रईस का प्रोमो लॉन्च हुआ यूएफओ के माध्यम से, शाहरुख खान ने किया, तो नए नए तरीके आ रहे हैं, और डिजिटल वर्ल्ड है, हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में, तो हम लोगों को नए नए तरीके अख्तियार करने होंगे। भोजपुरी को बहुत ग्रो करना है, तो जितना ग्रोथ करने की हम लोग शुरुआत कर सकते हैं करते हैं, बट भोजपुरी अभी बहुत पीछे है सिनेमा और टेक्निकल वाइज में हम लोगों को भी, क्योंकि मैं बहुत सारे साउथ में काम करता हूँ अलग अलग सिनेमा में, तो मुझे पता है कि हम लोगों का भी बहुत आगे आना है, और अभी वही मेहनत मशक्क़त चालू है कि कैसे भोजपुरी सिनेमा को ऊंचाई पे लाएं, जैसे मराठी सिनेमा या बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम है, वहाँ पर भोजपुरी को पहुँचना भी सख्त ज़रूरत है, बिकॉज नहीं तो फिर हम लोगों की बहुत, हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना, खाली कमाना या नाम कमाना हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास है, अब हम लोगों को अच्छा सिनेमा बनाने की सख्त ज़रूरत है और एक सम्मान पाना, बिहार गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद दूंगा, बिहार सरकार ने भोजपुरी फेस्टिवल शुरू किया और हम जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ कब हुई गौना हमार विदाई, कन्यादान, हमारी फिल्में दिखाई जा रही है, अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई जा रही हैं, तो ये एक पहल हुई। झारखंड गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद दूंगा, चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी ने मुझे अपने फिल्म नीति का वन ऑफ द मेंबर बना दिया, जहाँ पे बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी उन्होंने हमारे सर पे दी है कि कैसे झारखंड टूरिज्म को और सिनेमा इंडस्ट्री को वहाँ हम फ़ायदा दें, तो ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड पहला जॉब हमको मिला है। सो अब मेरी कोशिश रहेगी कि कैसे झारखंड में सारी सिनेमा इंडस्ट्री को हम लेके जाएं या मेरी फिल्मों को वहाँ लेके जाएं, और कैसे हम लोग, हम और रस्तोगी जी एक हिंदी फिल्म प्लान कर रहे हैं अभी, उसकी अगली शूटिंग हम लोगों की प्लानिंग हो चुकी है और वो हम लोग वहीं पे झारखंड में करेंगे, चूँकि सरकार उसमें हमारी मदद करेगी। विवेक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विवेक जी इज़ अ वेरी नाइस मैन एंड बहुत ही फोकस्ड हैं, बहुत ही इज़ अ बिजनेस मैन, तो वो सिनेमा को भी बिजनेस की तरह लेते हैं और उसके साथ ये चाहते हैं कि अच्छा सिनेमा बनाएं, कि
क्रिएटिविटी के साथ, बोलते हैं ना कि पैसे से फिल्म नहीं बनती, आपको पैशन लगन चाहिए। तो मुझे ये बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि बहुत स्पष्ट और क्लियर मुंह पर बोलते हैं, और इनमें फिल्मी पना नहीं है, वो कोई तिया पाचा नहीं है कि भैया पैसा लगाया हूँ, पैसा फिल्म बना रहा हूँ, फिल्म मेरी अच्छे से लगे। और मुझे फिर मतलब एक इज़ अ डेरिंग आदमी, एक डेरिंग बाज आदमी है। सिनेमा इंडस्ट्री में डेरिंग बाज लोगों की, और ईमानदारी से कमाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, और अभी इनकी कोशिश है कि यहाँ पे अपना नाम करें। हर आदमी सिनेमा इंडस्ट्री में नाम करने आता है, क्योंकि पैसा तो पूरी दुनिया के पास है, लेकिन नाम भी बहुत ज़रूरी है। तो और ये इसलिए आए हैं, और ईश्वर करे कि इनको भगवान इनको इज्जत दे, नाम दे, और इनको नाम दे रहा है। आज ये मीडिया में छाए हुए हैं हर जगह, आज इनका नाम विवेक रस्तोगी आज एक ब्रांड बन गया है। बात करें जैसे कि आप भोजपुरी सिनेमा का हिंदी तमिल तेलुगु कर रहे हैं, तो क्या करना चाहेंगे, किस तरह से पूरे सिनेमा में समय आप एडजस्ट कर पाते हैं? हाँ, करना पड़ता है, बिकॉज मुझे सिनेमा पसंद है, मुझे बिजी रहना पसंद है। अमिताभ बच्चन साहब से मैं सीखता हूँ कि कैसे वो अपना समय पूरा निकालते हैं। तो हम लोग तो बच्चे हैं, वो सदी के महानायक हैं, कभी भी अक्षय कुमार उनको फॉलो करते हैं, सब लोग उनको फॉलो करते हैं, मैं अमिताभ बच्चन साहब को फॉलो करता हूँ कि कैसे एक दिन में इतना सारा काम करना। कोई सीखे तो अमिताभ बच्चन से सीखे। साउथ में कौन कौन मूवी आपको? अभी मेरी कन्नड़ में एक फिल्म रेडी है हेबुली, तेलुगु में एक फिल्म रेडी है, तमिल में विक्रम मेरे अच्छे दोस्त हैं जो ग्रेट एक्टर हैं, उनके साथ शुरू करने जा रहा हूँ जैन में, और फिर बाद में और एक तेलुगु शुरू करने जा रहा हूँ, फिर एक और कन्नड़। तो वहाँ पर ये साल काफ़ी मेरी 5-6 फिल्में और शुरू हो रही हैं। छोटे पर्दे भी आप बीच बीच पे आते रहते हैं, अंगूरी भाभी के क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत मज़ा आया भाभी जी के साथ, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं सब, और बहुत उसकी TRP बड़ी अच्छी रही, जैसे चैनल का कहना है, वो हमको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला कि पूरा देश उस दिन उसको देख रहा था। तो भोजपुरी की बात या भोजपुरी भाषा जहाँ पे, या भोजपुरी में मैं वहाँ जहाँ आता हूँ, तो वहाँ पे लोगों को बड़ा प्रेम आता है, और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग देखते हैं, इसीलिए हमको सारे चैनल वाले बुलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उस दिन हमारी TRP बहुत हायर होगी। बहुत प्रेम कर रहे हो इतने साल से, 25 साल से 400 फिल्म कर लिए, और यही प्रेम बनाए रखना, आशीर्वाद, और मैं आखिरी सांस तक आप लोगों को एंटरटेन करूंगा, ये मेरा वादा है। बेबी को क्या विश देना चाहेंगे? हर्षिता को उसके तीसरे जन्मदिन की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज अपने जीवन के तीसरे वर्ष में वो प्रवेश, चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, 3 साल पूरे कर लिए हैं। तो यही दुआ है, विवेक जी की सुपुत्री हैं, वो उनका नाम रोशन करे, स्कूल में अव्वल दर्जे की पढ़ाई करे, फर्स्ट क्लास आए, और अपना जीवन मस्ती से जिए, बच्चों के लिए यही शुभकामनाएं दी जा सकती है। फिल्मों के बारे में जानना चाहे तो कौन कौन भोजपुरी फिल्में आपने? अभी विवेक जी की एक फिल्म शहनशाह मैंने कम्प्लीट की है, जो नेक्स्ट ईयर रिलीज़ है। अभी एक होगी प्यार की जीत मेरी रिलीज हुई थी, अभी इन्हीं की एक हिंदी फिल्म करने जा रहा हूँ नेक्स्ट ईयर, जो पूरी शूटिंग झारखंड में हो रही है, और एक रवि जी के होम बैनर की, रवि किशन जी के होम बैनर की एक फिल्म कर रहा हूँ एज एन एक्टर, और बाकी एक तमिल फिल्म आ रही है मेरी। तो दर्शकों से कहना चाहेंगे? आप सभी दर्शकों से बस यही निवेदन करूँगा कि आप भोजपुरी फिल्में देखिए, अच्छी अच्छी फिल्में बनने लगी है। जो शिकायत रहती थी कि अश्लील और वो सब होती, अभी नहीं, अभी फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है, आप शहनशाह आके देखिए, इतनी बेहतरीन फिल्म। और जैसे कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन है, वैसे हमारे यहाँ रवि किशन जी हैं, तो ये भी सदी के नायक हैं, पहले सुपरस्टार भोजपुरी के रवि किशन जी, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला तो अच्छा लगा। और शहनशाह मुझे लगता है आपको पसंद आएगी, विवेक जी की पहली फिल्म है, एक जुझारू प्रोड्यूसर, एक कर्मठ प्रोड्यूसर जो कि सिनेमा में कुछ देना चाहते हैं, रोहित सिंह नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, आनंद घटराज, अच्छी टीम है, तो मज़ा आएगा आप सब लोगों को। सर, बात करें हर्षिता का आज बर्थडे है, आप लोग आए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं, मैं रविशेखर सिन्हा, फिल्म शहनशाह जो हमारी अपकमिंग मूवी है उसका मैं सेकंड लीड हीरो हूं, और आज हम लोग यहां हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर विवेक रस्तोगी जी की सुपुत्री हर्षिका का जन्मदिन है, वो बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और हम आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर्षिका स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और एकदम खुश रहे। और बात करें इनकी फिल्म में साइंस आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एज ए हीरो आप इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरी पहली फिल्म है, इस फिल्म से मैं डेब्यू कर रहा हूँ, और दो हीरो वाली कहानी है इसमें, रवि किशन जी हैं जो टाइटल कैरेक्टर शहनशाह प्ले कर रहे हैं, और मैं इसमें रास बिहारी सेकेंड लीड हीरो कर रहा हूँ,
अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी है, एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस सब कुछ इसमें है। और विवेक जी ने बहुत मेहनत की है और हमारे दूसरे प्रोड्यूसर भी साथ में हैं, रोहित सिंह जी हैं, इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और इसके डायरेक्टर मिस्टर आनंद डी घटराज, जिन्हें नेशनल अवार्ड मिल चुका है फिल्मों के लिए, डायरेक्शन के लिए, उन्होंने डायरेक्ट किया है। बहुत कमाल की फिल्म बनी है, सुपर डुपर फिल्म बनी है, और बस दर्शकों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, अपना 100% दिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमें स्वीकार करेंगे, दर्शक हमें स्वीकार करेंगे, दर्शकों का भरपूर प्यार हमें मिलेगा। विवेक जी की भी ये पहली फिल्म है, एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने ये फिल्म फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस की है, और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी नॉलेज रखते हैं, फिल्मों से रिलेटेड भी काफ़ी जानकारी रखते हैं, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और हमारे साथ, हम सब के साथ उनका बहुत अच्छा दोस्ताना है, बहुत अच्छा याराना है। हम लोग साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, फिल्मों पे डिस्कशन होती है, और एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत मेहनत से, बहुत तरीके से हम लोग फिल्म पे काम कर रहे हैं। इसमें आपने गाना भी गाया है, क्या कहना चाहेंगे, दो लाइन हो जाए। सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से ही था, और पहले मैं ऑर्केस्ट्रा सिंगर हुआ करता था, बाद में सीरियल्स करना शुरू किया, उसके बाद अभी फिल्मों में आया हूँ। तो गाने गाने का शौक तो बचपन से था, स्टेज पे गाता भी था, हाँ, लेकिन ये है कि इस फिल्म में पहली बार मैं प्लेबैक कर रहा हूँ, और मेरा गाया हुआ गाना मुझ पर पिक्चराइज है, एस कुमार जी का म्यूज़िक है, उन्होंने लिरिक्स भी दिया है, लिखा भी है, कंपोज भी किया है, और मुझे उन्होंने पहला ब्रेक दिया इसमें गाना गाने का। ये दो लाइन श्योर। बड़ा निक लागे तो हर डांड लच कौआ ए रानी, बड़ा निक लागे तो हर डांड लच कौआ ए रानी, कर प्यार 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 कर प्यार हच कौआ ए रानी, कर प्यार हच कौआ ए रानी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे हर्ष का? हाँ विवेक जी, सिर्फ मेरे प्रोड्यूसर ही नहीं, मेरे परम मित्र भी हैं। देखिए फिल्म बनाते बनाते हमारे दोनों के बीच एक फैमिली रिश्ता भी हुआ है, तो उसके तहत आज उनकी बेटी की जन्मदिन, तो मेरी बेटी भी हुई, और हम उनको आशीर्वाद देने आए हैं। आज तीसरे साल की हो गई, बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है, और जन्मदिन की मुबारकबाद उनको दिया, आशीर्वाद भी दिया, हमारे उम्र भी उनको लग जाए बच्ची को, बहुत प्यारी बच्ची है, पूरी इंडस्ट्री की बच्ची। विवेक जी एक शहंशाह प्रोड्यूसर है, मतलब उनमें जिगर भी है, और जो बोलते हैं वो करते हैं, तो प्रोड्यूसर और क्या है, एक प्रोड्यूसर को एक फिल्म का समझ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि विवेक जी को बहुत अच्छी तरह से आता है, तो ये चीज़ मज़ा आता है कि विवेक जी ऐसा करना, अच्छा ओके, वैसा करना, अच्छा ओके। अब कुछ लोग होते हैं पैसे के बारे में सिर्फ पूछते हैं, पैसा भी ज़रूरी है, मगर पैसे के अलावा समझ की भी ज़रूरत हो, फिल्म कैसे बने, कैसे बन रहा है, ये सब भी ज़रूरी है। दर्शकों से क्या कहना चाहे, सहनशाह को लेकर भी टेजर चालू हुआ है इसका। हाँ, इसका ट्रेलर पहले देखिए, ट्रेलर देख के थोड़ा सा अंदाज़ा तो आप लोगों को आ जाएगा, अगर अच्छा लगा तो फिल्म भी देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है, हम सब लोगों ने मेहनत किया है, विवेक जी, रोहित जी, रवि जी, अंजना और कुणाल भैया सब मिलके, अवधेश जी सब मिलके हम लोगों ने मेहनत किया शहंशाह फिल्म बनाने को, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ट्रेलर देखिए और फिल्म भी ज़रूर देखिए शहंशाह। रवि जी वो अपने आप में एक शहंशाह है, एक्टिंग का मैं उनको शहंशाह कहता हूँ, और उन्होंने इस बात को साबित किया है, मेरे कहने से नहीं होगा, ये उन्होंने साबित किया है अपने काम के ज़रिए, अपने एक्टिंग के ज़रिए, और वो शहंशाह हैं, रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू।